हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइज में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का पार्ट 22 है। अभी तक हमने स्क्वायर रूट के सब चीज़ें पढ़ ली थी। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं कंपटीशन में, एसएससी वगैरह में, यूपी टेट वगैरह में, उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूट 12 अंडर रूट में है पूरा और प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपली मान लीजिए एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 है और प्लस अंडर रूट 12 है और प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, यही क्रम इसका चलता है। अब जब इन्फिनिटी तक है तो एक आध अगर हम कम कर लेते हैं तब भी बात तो वही रहेगी, इन्फिनिटी का तो इन्फिनिट है, कोई पता ही नहीं है। तो जब हम इनका वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एक अंडर रूट कम हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। दोबारा लिखने से एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, नहीं तो आप सिंपली और भी कर सकते थे अप टू इन्फिनिट तक। ये चीज़ है और इसका स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने की तो जब एक्स स्क्वायर तो है और इसका जो ऊपर वाला अंडर रूट था ये पहले हटेगा, तो उसके बाद सिंपल यही है तो बचेगा वापस। अब अंडर रूट है तो हम दोबारा से इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी तक है तो एक और हमने बढ़ा के लिख दिया इन्फिनिटी तक। तो जब ये चीज़ जो है ये किसके बराबर है, हम फर्स्ट समीकरण में देख रहे हैं एक्स के बराबर है ये चीज़, क्योंकि एक इन्फिनिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 12 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे कि एक्स इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए कि माइनस करने पे एक आना चाहिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4 3 12 होता है, तो ये आ जाएगा। ये हम एलजेब्रा में उसकी मदद से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एलजेब्रा से काफ़ी सही हो जाता है। ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया और यहाँ पर प्लस 3 लिया तो यहाँ पर x माइनस 4 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन आया, x माइनस 4 दोनों में है, तो जब x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू एक मान तो आ गया 4 और एक आ गया माइनस 3, ये चीज़ आ गई। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि जो एक्स इक्वल टू 4 है वो पॉजिटिव है, तो हम मान हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो इसलिए माइनस वाला नकार देंगे और 4 वाला आंसर ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2√2 वाली कंडीशन हो, 2 वाली कंडीशन हो और जितनी बार भी 2 हो, इस टाइप की कंडीशन है, ये 4 बार हो गया, 5 बार और ये लास्ट 6 टाइम। तो ऐसी जब कोई भी कंडीशन आए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना होता है 2 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n का। यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ n बराबर 6 है। हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है, इससे ये ट्रिक है। यहाँ पर n बराबर 6 रख देंगे तो ये जो ट्रिक है ये एक तरीके से ट्रिक भी कह सकते हैं इसे, और हम इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो जब भी जितने बार ये ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो कि इन्फिनिटी तक ना हो तो उसमें हम ये चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गिन सकते हैं। अगर इन्फिनिटी तक होता तो उसका क्वेश्चन हम अलग तरीके से करते हैं। अब मान लीजिए 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, तो ये हो जाएगा 64, ये इसका मान हो गया। अब क्या करना है कि ये मान यहाँ पे उठा के रख देंगे तो 1 − 1/64 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 की पावर 64 − 1, क्योंकि पूरा एलसीएम लेके 64 आ गया, तो ये आ गया 2 की पावर 63/64। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो या फिर ये कर सकते हैं 2 की पावर 6 अगर मान लीजिए कोई भी n आया है यहाँ पे, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n − 1/2 की पावर n, या फिर सिंपली जो नीचे पावर आएगी
उसको एक कम करके यहाँ पे लिख देंगे, बस ये चीज हो सकती है सिंपल। तो जो चीज यहाँ आ जाए बस उसी को एक माइनस करके ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर रूट थ्री, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें इसने पूरी पूरी पावर नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर अनंत तक है। तो जब इन्फिनिटी तक कोई चीज़ हो तो क्या करेंगे, इसको सिंपली एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं। ये माना हमने अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। जब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो अब इसका क्या मान रख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले वर्ग करके देख लेते हैं। तो एक वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री। अब ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो जब बढ़ता जा रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एक्स ये करेंगे। अब ये जब हमने मान किया तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू कितना बचा, थ्री। तो ये हमारा मान हो जाएगा इसके साथ, ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री, इनके बीच का मध्यमान बताना है। हम देखते हैं इसका मान होता है 1.41 और इसका मान होता है 1.71, यही होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो मान है ये छोटा है उससे। अगर रूट 6/2 कर दें तो यहाँ पर 1.41 और इंटू 1.71 करेंगे, जो कि 2 के 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा ही आएगा। तो और इसका मान हम इसका मान क्यों निकालेंगे हम, जब √2 + √3 है, इसका मान अगर हम निकालने जाएंगे तो ये भी 1.41 + 1.71/2 हो जाएगा, जो कि मान कितना हो जाएगा, 1, 2, 7, 4, 11, 1, 3, 3.12, यानी कि 1.5 से अबव आएगा। तो जब ये अबव आ रहा है तो सिंपली आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.5, हम इसके मिडिल मान इसको मान के चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू भी किए जाते हैं जिससे कि आसानी से हो सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारा है वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6, 8 प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या तभी निकल सकती है जब हम पहले एलसीएम इनका निकाल लें, एक कॉमन संख्या जिससे हमें पता चल जाए कि अगर हम उससे डिवाइड करें तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब उसमें क्या है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 3, 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अभी 2 से कटेगा ये, तो 2 1 जा 2, 5, 3 2 2 जा 4, अब बचा कितना, 2। तो ये आ गया 5, 3 और 1। आगे 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 1, 5, 1 और ये 1। अब आगे क्या बचा, 5, तो ये हो गया 5 1 जा 5, ये हो गया। अब क्या है कि इन सबसे डिवाइडिबल संख्या तो यही हो गई भाई, लैसे हमने निकाल लिया तो ये तो डिविजिबल संख्या हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 8, 45 3 120, ये हो गई हमारी संख्या। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 120 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 120 के फैक्टर, तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 2 6 60, ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 15 और ये हो गया 3 5 15 और लास्ट में क्या बचा, 5। तो 5 1 5, 120 के फैक्टर क्या हो गए, 2 2 2 2 3 5। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कितने जोड़े बन रहे हैं, तो एक जोड़ा बस, तो 2 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमें इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसका 120 में गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आनी चाहिए, तो ये हो गया 5 15 2 30 और 30 × 12, तो ये हो गया 12 3 36, यानी कि टोटल आंसर कितना हो गया, 3600। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। तो ये हमारी संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में 2 3 7 और 8 अंक नहीं आते, ठीक, ये अंक नहीं आते। जब ये चीज आई है तो
हम यहाँ देख रहे हैं 3 है तो ये ऑप्शन नहीं हो गया, फिर ये 2 है यहाँ पर तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा 2 और 4, तो हम पहले 2 को निकाल लेते हैं। 2 का अगर हम ऑप्शन के साथ भाग विधि से निकालेंगे तो जल्दी से हो जाएगा आसानी तरीके से। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम भाग विधि से इसे ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो लास्ट में जो है दोनों में 9 है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन सा है। तो जब दोनों का निकालेंगे तो यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 2 जोड़े और यहाँ बचा, तो 2 दूनी 4, 4 आया, तो 5 में 4 गया, 1 बचा। अब क्या 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया और यहाँ पे 148 आ गया। अब 41 को 48 के पास ले जाने के लिए 8 एकम 8 और 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि हमें सिर्फ वहाँ तक ले जाना है 4 तिया 12, यानी कि 3 से करके देखते हैं। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 129 हो गया, ये आ सकता है कि नहीं, तो 3 से आ गया, ये आया 129। अब कितना बचा, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ 4 3 में 2 गया 1, अगली संख्या उतरेगी 96, तो 96 आ गई, यहाँ 3 जोड़ा आपने तो 46 हो गया। अब इसको कहाँ तक ले जाना है, 4 9 36 हो सकता है, 4 चौक 16, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम 4 तक चले जाते हैं, मान लीजिए 400, 1 मिनट, ये हम जाएंगे इसको 464 तक चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है, 4 चौक 16 4 6 4 6 24 1 25 2 4 चौक 16 2 18, 1856 हो गया। तो अगला पता कर लेते हैं, 65 से 55 25 5 6 30 2 32 3 5 चौक 20 20 3 23, तो ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4। अब यहाँ आया 1856। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम लगता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हो गया 468। ठीक, यहाँ बचा 0 और 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, 140 हो गया। अब अगला क्या आ जाएगा, 49। जब 49 आ गया तो अब इसे फिर से करेंगे, तो 49 के लिए क्या है, ज़्यादातर 7 7 49 होता है, तो 4 6 8 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 हासिल 6 7 6 42 6 48 4 7 4 28 4 32, तो ये ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से फिर हम 3 से करके देख लेते हैं, सिंपल कि 3 से कितना आता है, तो 3 से जब करेंगे तो 3 से करके देख लेते हैं सिंपल, अगला मान लीजिए 46 83 ले लेते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 3 9 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 6 18 2 20 2 3 6 12 2 14, तो ये तो आ गया पूरा, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो ये 3 हो गया, तो 14 0 49 ये आ गया, यानी कि ये पूर्णवर्ग संख्या पता चल गई, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर। अब हमें चाहते कि चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वही आंसर में आ गया, यहाँ पे ये 2343 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाग में 15625 सेब हैं, प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है, तो प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या हमें बतानी है। तो हम जानते हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि उतनी कतार हो उतनी पौधे हों, तो उसमें सिंपल हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, या कहते हैं फैक्टर टाइप में। तो सिंपल अगर इसे हम, जब कोई बड़ी संख्या आए तो भाग विधि से करना ज़्यादा सही है, क्योंकि जोड़े बनाते बनाते टाइम लगता है, तो सिंपल हम भाग विधि से इसे कर लेंगे, 15625 है, 2 जोड़े 2 जोड़े 1 बचा, तो 1 एकम 1, अब क्या बचा, 1, यहाँ तो कट गया, अब बचा 56 आ गया, यहाँ 1 जोड़ा हमने तो 2 आ गया, अब 2 जोड़ लिया तो 56 आया, 56 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए 23 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 22 दूनी 44 कर देते हैं, तो 22 दूनी 44 आ गया, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 जोड़ा तो ये आ गया 24 24 आया, अब हमने 25 उतार लिया, 25 किस में आता है, 5 में, तो 245 का 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या पता आ जाए, तो 25 5 2 20 2 22 2 5 2 10 2 12 12 25 आ गया, यानी कि ये यहाँ 125 का पूरा पूरा वर्ग हो गया, यानी कि एक पंक्ति में 125 पौधे हैं और 125 ही पंक्तियाँ हैं जिससे पूरे के पूरे
पेड़ आ गए या सेब के पौधे जो हैं वो पूरे कतारों में लग जाएंगे वर्ग के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए यहाँ स्टार है तो स्टार अपॉन 21 है इंटू स्टार अपॉन 189 है और इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अब स्टार की जगह हम स्क्वायर रख रहे हैं या फिर स्टार को स्टार ही रहने दें, तो स्टार का मल्टीप्लाई स्टार से हो गया और नीचे क्या मल्टीप्लाई हुआ 21 इंटू 189 यही हुआ और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्टार स्क्वायर इक्वल्स टू 21 इंटू 189। अब हम क्या जानते हैं कि जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट बन जाता है, अगर रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये गया स्टार बचा और ये अंदर चला गया 21 इंटू 189 यही हुआ। अब क्या करना है इसका कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसको खंडों में तोड़ लेते हैं, तो खंडों में तोड़ेंगे तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 189 के अगर खंड करते हैं तो कितना आएगा 2, पहले 3 से कटेगा क्योंकि 9 × 17 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 21 = 63, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 तो कितना आ गया 3 बार, तो 3 आया। जब इसके खंड करिए, हमने खंड मान लीजिए कर लिए, अब खंड करने के बाद क्या आया 3 बार, तो 3 × 3 = 9 = 27 और 7 × 27 = 189। अब हम जोड़े बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़े और 7 का 1 जोड़ा, यानी कि ये चीज़ बाहर आ जाएगी तो कितना बचेगा 3 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 के थे और 1 जोड़ा 7 का, तो 3 × 9 = 63, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं खंडों में विभाजित करके, नहीं तो फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 21 और 189 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 189 और ये आएगा 2 × 18 = 8, आंसर लगा 1 × 2 = 16 × 17 = 7, आंसर लगा 1 × 2 = 3, 378 आया, 9 × 8 = 16 और 7 × 2 = 9 और 3, तो 39 × 69 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए हम 63 का वर्गमूल चेक कर लेते हैं 39 × 69 आता है कि नहीं, तो उसे हम ट्रिक से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 63 का लिया वर्ग, तो ये 63 का वर्ग लेंगे तो 6 × 18 = 36, ठीक, और 6 × 36 और 3 × 3 = 9 ये आया, तो ये आ गया 9 और यहाँ 6 × 6 = 9 और 3, तो 39 × 69 आ गया, यानी इनका जो मल्टीप्लाई था वही हमारा 63 का वर्ग था। तो चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.21 √ 1.21 × 10⁶ यही है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसमें अगर 1.21 है और इसमें से 2 पावर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और यहाँ बचा दें 10⁴, जब ये बचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें 121 हो गया, तो 10⁴ बचा क्योंकि 100 का गुणा हमने इसमें कर दिया, तो ये 10⁴ इधर बचा। अब क्या करेंगे, पावर आधी हो जाएगी, तो ये तो 10⁻² तो बाहर आ गया, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो ये कितना हो गया 11 × 10⁻². लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि सब में 1.21 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1.1 करेंगे तो 1 10 बाहर आ जाएगा और ये 10⁻² हो गया, तो ये हो गया 1.1 × 10�³। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जब इसे हमने पॉइंट में करा या 10 से भाग 10 से गुणा किया तो ये चीज़ आ गई हमारी आंसर में, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले गए 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया है यदि b = 2 और c = 3 है तो 1/√b + 1/√c + √b 1/2 + √c का मान बताना। अगर हम 2 को इसके अंदर ले जाते हैं तो पॉइंट में मान निकलेगा, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम सिंपल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए √b + 1 को मल्टीप्लाई √b − 1 से करें तो नीचे क्या बचेगा √b − 1। अब ये और ये मल्टीप्लाई होके कितना बनेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √, इसको यहीं लिख लेते हैं बाहर यहाँ, तो जब इसका मल्टीप्लाई किया तो √b − 1 तो ऊपर आ गया, ठीक, और नीचे क्या आया √b² और −1² क्योंकि a + b, यहाँ फॉर्मूला हमने क्या लगाया a + b और a − b का, जो कि होता है a² - b² यही होता है,
ये हमने स्क्वायर वाले जब वर्गमूल और वर्ग वाले प्रश्न किए थे उसमें हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, ये हो गया। अब इसी के साथ ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, वन अपॉन अंडर रूट सी प्लस रूट बी। इसी तरीके से इसे भी माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट सी माइनस रूट बी अपॉन अंडर रूट सी माइनस रूट बी, यही किया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी माइनस रूट बी अपॉन सी, क्योंकि सी का स्क्वायर आया और माइनस बी का स्क्वायर, तो सी माइनस बी हो गया, सिंपल। इसी तरीके से अब अगला और देख लेते हैं, वन अपॉन टू प्लस रूट सी, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको टू माइनस रूट सी से अपॉन टू माइनस रूट सी, ये किया तो ये आ जाएगा टू माइनस रूट सी ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, दो दूनी चार माइनस सी, ठीक। अब इन इक्वेशंस को हम प्रश्न में रख देंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला मान हमारा क्या आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला मान है रूट बी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, प्लस दूसरा मान है हमारा सी अंडर रूट सी माइनस रूट बी अपॉन सी माइनस बी। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आया रूट सी माइनस रूट बी अपॉन सी माइनस बी, यही था हमारा। नेक्स्ट है हमारा मान टू माइनस रूट सी अपॉन फोर माइनस सी, तो टू माइनस रूट सी अपॉन फोर माइनस ये आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें बी का मान जब हमें टू दिया हुआ है और सी का मान थ्री दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में देख सकते हैं, बी बराबर टू यहाँ पे और सी बराबर थ्री। तो नेक्स्ट अब ये मान हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा टू माइनस वन प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन थ्री माइनस प्लस टू माइनस रूट थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री। अब हम देख रहे हैं नीचे तो एक एक बचेगा, तो एक एक की तो कोई वैल्यू नहीं बची, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट टू माइनस वन प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस टू माइनस रूट थ्री। अब प्लस माइनस वाले, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये प्लस का है ये माइनस का, कट गए तो क्या बचा, माइनस वन प्लस टू, तो क्या आंसर आया, वन। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर थ्री के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या रूट तीन जो है ये कैसी संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जो रूट तीन है, अगर तीन को हम सॉल्व करें इस तरीके से तो ये 1.713 और इसके बाद अनंत तक चलता जाता है। तो जब ऐसी कोई संख्या हो कि जिसका कोई अंत नहीं, तो वो कैसी संख्या होगी, अनंत। अब इसमें क्या है, आवर्ती संख्या नहीं है क्योंकि बार बार वही रिपीट नहीं हो रही है, जब रिपीट नहीं होती है संख्या तो वो कैसी होती है, अनआवर्ती। तो ये ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चली जाएगी कि एक, यहाँ पर एक अनंत अनावर्ती दशमलव संख्या है, ये कैसी संख्या है, एक अनंत अनावर्ती, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, अनावर्ती दशमलव संख्या। ऐसे ही रूट टू का भी आप पता कर सकते हैं, अगर रूट टू में कोई रिपीटेशन हो रही हो तो वो एक अनंत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थ्री है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग दिया है हमें 100 और अंतर 37। तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने दो संख्याएं मान ली ए और बी, तो इनका योग कितना हो गया 100। जब संख्याएं क्या मानी है, ए और बी, दो संख्याएं मान ली, अब ए प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है और अंतर कितना है, ए माइनस बी बराबर 37। अब हमसे ये पूछा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या बताना है, तो अब इनका वर्ग करना है, तो वर्ग क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम जानते हैं कि इसका जो वर्ग होता है ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ही होता है, ये हमने पहले सॉल्व किया है, तो ये फॉर्मूला भी है एलजेब्रा का एक्सप्रेशंस का। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान रखेंगे 100, ए माइनस बी का मान 37, तो कितना हो जाएगा 3700।
तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है संख्याएं रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 10 माइनस रूट 8, रूट 7 माइनस रूट 5। इसके बारे में निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं कि रूट 13 माइनस रूट 11 सबसे बड़ी संख्या है, रूट 13 माइनस रूट 11 सबसे छोटी संख्या है, या फिर रूट 10 माइनस रूट 2 रूट 8 ग्रेटर देन है रूट 7 रूट 5 से। इसके लिए हम इसे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट किस तरीके से, हम देख रहे हैं कि रूट 13 माइनस रूट 11 है और रूट 10 माइनस रूट 8 है और तीसरी संख्या क्या है, रूट 7 माइनस रूट 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 और माइनस 11 में कितना अंतर है, 2 का। यहाँ अंतर कितना है, 10 और 8 में 2 का, और यहाँ भी अंतर 2 का है। जब अंतर सेम समान हो, जब अंतर समान दिखाई दे, समान दिखाई दे, तब जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, जो संख्या बड़ी दिखाई दे, जो संख्या बड़ी दिखाई दे वह संख्या छोटी होती है, वह संख्या छोटी होती है। कैसी होती है संख्या छोटी, तो किसके साथ ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ, क्योंकि इसमें रूट 13 और 11 सबसे बड़ी संख्या है तो यही सबसे छोटी संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक जो होगा, और ये एनटीपीसी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, एनटीपीसी का जबकि एग्ज़ाम्स आ रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।